अस्सलामुअलैकुम जमात दोइम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और वीडियो लेसन्स को देखते हुए अपना काम अच्छी लिखाई के साथ बरवक्त मुकम्मल करके गूगल क्लासरूम पर भेज रहे होंगे। जैसे कि मोहिब, सैफुल्ला, हरीम सदीक, ईमान फातमा, फातमा तनवीर और तैबा, इन बच्चों की लिखाई और इनका काम बहुत अच्छा था और लिखाई भी बहुत खूबसूरत थी और काम मुकम्मल करके भेजा हुआ था। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि जो नोटबुक पे काम करने वाले हैं वो काम करके सिर्फ उसकी तस्वीर भेजेंगे और जो किताब के काम है उसको कम मुकम्मल करके उसकी तस्वीर नहीं भेज रही। तो बच्चों, जो आपने नोटबुक पर काम किया है वो उसकी तस्वीर भी भेजें और जो आप किताब पर काम करते हैं उसकी तस्वीर भी भेजें। अब हलीम, सबसे पहले आप बताएं हमने गुज़श्ता रोज़ कौन सा सबक पढ़ा था। सबक तफहीम में हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी। आयशा बेटा आप बताएं। शाबाश, कपास के पौधे के बारे में पढ़ा था और क्या पढ़ा था, गुब्बारों के बारे में। हर एक चीज़, अगर किसी भी चीज़ का नाम आ जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पर सबक का उनवान लिखा हुआ है च्युइंगम, तो आयदा बेटा च्युइंगम क्या होगा, इस्म। च्युइंगम हमारे पास क्या होगा, इस्म। और उसके साथ साथ हमने पिछले सबक में क्या सीखा था, हम मायनी अल्फाज। हमने क्या सीखे थे, हम मायनी अल्फाज। उर्दू ग्रामर में हम मायनी अल्फाज को क्या कहते हैं बच्चों। बहाज बेटा आप बताएं। अल्फाज मुतरादिफ, क्या कहते हैं हम उनको, अल्फाज मुतरादिफ। अब नूर बेटा आप बताएं कि अल्फाज मुतरादिफ क्या होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, काला, तो काला का हम मुतरादिफ लफ्ज़ क्या होगा, शाबाश सुर। क्या होगा, सीन पेश रेखे सुर। एक ही मानी रखने वाले अल्फाज को हम क्या कहते हैं, हम मानी अल्फाज। आज हमारे सबक का उनवान क्या है बच्चों, च्युइंगम। आज हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, च्युइंगम के बारे में, जो कि हम क्या करते हैं अपने मुंह में लेकर उसको दांतों में चबाते हैं। आप लोग भी तो च्युइंगम खाते होंगे ना, बहुत शौक से। मैं भी खाती हूँ कभी कभी, जब मेरे मुंह का जो जायका है वो अच्छा नहीं होता, खुशगवार नहीं होता, तो हम क्या खाते हैं, च्युइंगम। उससे हमारे जो दांतों की क्या होती है, वर्जिश। उससे हमारे दांतों की क्या होती है, वर्जिश। और उसके जो है जायके हैं वो भी बहुत मुख्तलिफ होते हैं, जैसा कि कोई मिंट, मतलब किसमें पुदीने का जायका होता है, किसी में धनिया का जायका होता है, किसी में स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी का तो मिल्कशेक भी बहुत मज़े का होता है, आप लोग पीते हो ना मिल्कशेक। कभी उसमें हम एप्पल सेब मिलाते हैं, कभी हम उसमें आम का जायका ले लेते हैं, कभी हम उसमें स्ट्रॉबेरी मिला लेते हैं, कभी हम केला मिला लेते हैं, और हम उनसे क्या बनाते हैं, मिल्क शेक, और वो हमारे जिस्म के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। उसी तरह च्युइंगम के भी अलग-अलग मुख्तलिफ जायके होते हैं। क्या होते हैं जायके, जैसे कि स्ट्रॉबेरी हो गया, स्ट्रॉबेरी का हो गया, उसके बाद जो है पुदीने का हो गया, धनिए का हो गया, उसके बाद हमारे पास केले का जायका हो गया, उसके बाद हम चॉकलेट वाली भी च्युइंगम खा सकते हैं। आज हम सबक की क्या करेंगे, पढ़ाई। सबक की क्या करेंगे, पढ़ाई और इमलाक के अल्फाज। इमलाक के अल्फाज जो मैं तख्ता सफ़ेद पर बच्चों आपको लिख के बताऊंगी, तो उससे क्या होगा कि आप लोग उसको अपने नोटबुक में दर्ज कर लें। अगर आप उसको किताब में एक बार दायरा लगा के हरूफों हरूफ के साथ पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, इसमें ये मोटी काफ आ रही है, इसमें पतली काफ आ रही है, इसको इस लफ्ज़ को ऐसे लिखना है, और ये हमारे हाथ से गुजर जाएगा। उसको पढ़ने के बाद आप अपने नोटबुक में दर्ज कर लें ताकि आपके एक बार लिखाई का काम भी हो जाए।
अब हम जाएंगे सबक च्युइंगम पर और पढ़ेंगे हमारे ज़खीरा अल्फाज। ज़खीरा अल्फाज में हम आने वाले मुश्किल अल्फाज के अल्फाज के मानी भी देखेंगे कि अच्छा इस लफ्ज़ का ये मानी है या इस लफ्ज़ को ऐसे करना चाहिए या इस लफ्ज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। ज़खीरा अल्फाज में सबसे पहले लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है, पे ज़ेर सीन पिस, पे ज़ेर सीन पिस, पे ये सीन पीस, पीस। एक पीस का क्या मतलब होता है, टुकड़ा, टेक आप टुकड़े यानी फड़ा टुकड़ा। जैसे कि मेरे पास हो मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक फल है, मेरे पास एक फल है आम, उसको मैंने एक हिस्सा काटा यहां से ऐसे, यहां से मैंने काट लिया थोड़ा सा, तो ये मेरे पास क्या बना पीस, कि ये आम का क्या है टुकड़ा है, ये आम का क्या है पीस, पे ये सीन, पे ये सीन पीस। उसके बाद हम देखेंगे पे सीन पिस सीन बासु पिसु, पे दे सीन पिस सीन बासु पिसु। पिसु क्या होता है बच्चों, आयदा बेटा आप बताएं पिसु क्या होता है। शाबाश, पिसु क्या होता है, वो जानवर जो बारिश के मौसम में ज़मीन से बाहर आता है और वो क्या खाता है, इंसानों का खून पीता है, और वो क्या करता है इंसानों का खून पीता है। अगला लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है बच्चों, पेली फासिल पास, पास का मतलब क्या होता है करीब, काफ मोटी मोटी काफ रे ये बे करीब। अगला लफ्ज़ क्या हुआ है, लिखा हुआ है पेली पालम पाल, पे व पोसिन पोस, पाल पोस, पाल पोस का मतलब क्या होता है परवरिश करना या फिर देखभाल करना। हमारे वालदैन हमारे हमें पालते पोसते हैं ना बच्चों, हमारी परवरिश करते हैं। जब हम इस दुनिया में आते हैं या हम पैदा होते हैं, हम बहुत छोटे से होते हैं, ना हमें पता है हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या पीना चाहिए, हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए और किस वक्त हमें क्या करना है। तो ये सब क्या कौन काम करते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे वालिदैन, हमारे वालिदैन भी हमें पालते पोसते हैं, हमें छोटे से बड़ा करते हैं, हमें चलना सिखाते हैं, हमें खाना खाना सिखाते हैं, हमें बोलना सिखाते हैं। तो वो क्या होता, वो लफ्ज़ क्या बनता है, पेली पालम पाल, पे व पोसिन पोस। अब मैं आपकी इमला के अल्फाज लिखूँगी, ये हैं बच्चों हमारी इमला के अल्फाज, जिसमें क्या है, पेजिन पिस सीन पेशवासु पिसु, पिसु का मतलब क्या था बच्चों, वो जानवर जो बारिश के मौसम में ज़मीन से बाहर आता है और इंसानों का खून पीता है, उसका नाम क्या है पिसु, पे जे सिन पिस सिन पेशवासु पिसु, पेली पालम पाल, पेवा पोसिन पोस, पाल पोस, पाल पोस का मतलब उन परवरिश करना, देखभाल करना, पेली पालम पाल। नून अलिफना पालना, पालना का भी वही मतलब है जो हमने पाल पोस का मतलब पढ़ा था। क्या होता है बेटा नूरुद्दीन आप बताएं, परवरिश करना। अब हम जाएंगे अपने सबक के उनवान पे, जिसमें क्या लिखा हुआ है च्युइंगम, क्या लिखा हुआ है, चे ये वायो च्युई नून गाफ मीम गम च्युइंगम, चे ये वायो च्यू नून गाफ मीम गम च्युइंगम। सब बच्चों को एक चीज़ बहुत पसंद होती है, ये बात तो सच है कि सब बच्चों को एक चीज़ बहुत पसंद होती है, भला वो क्या है, वो क्या है बच्चों, फैजान आप बताएं वो क्या है, च्युइंगम, वो क्या है च्युइंगम। उसे बच्चे तो क्या बड़े भी बहुत शौक से चबाते हैं। ये बात तो बिल्कुल सच है कि च्युइंगम को तो छोटे बच्चे क्या बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं। तो यहाँ पर हमारे इमला का लाभ समय क्या मिला है, शीन व शोक काफ शोक, चे बेलिफ बा ते बड़िए ते चबाते, शीन व शोक काफ शोक, चे बेलिफ बा चबा ते बड़िए ते चबाते।
शौक का मतलब क्या होता है बच्चों? शौक का मतलब क्या होता है? दिलचस्पी से। शौक का मतलब क्या होता है? दालम दिल चेस इन चिस पेश होती है पी दिलचस्पी। शौक का मतलब क्या होता है? दिलचस्पी से। क्या खाते हैं? च्युइंगम को चबाते हैं। अब देखो च्युइंगम हम पेट में तो नहीं लेके जा सकते ना बच्चों। हम उसको क्या करते हैं? अपने मुंह में चबाते रहते हैं चबाते रहते हैं। जब उसका जायका बदल जाता है तो हम उसको क्या कर देते हैं? कूड़ेदान में फेंक देते हैं। ऐसा ही है ना, अगर हम उसको एक अपने कहीं भी फेंक देंगे तो वो क्या होगा? जब भी उसका किसी चीज़ पर पाँव आएगा या च्युइंगम पर आपका पाँव आएगा या किसी और का पाँव आएगा तो वो उसके पाँव के साथ लग जाती है। आपको पता है एक बार क्या हुआ? मेरी ना एक बार बहुत मैं एक बार बहुत छोटी सी थी, मैंने च्युइंगम खा रही थी, मैंने ऐसे क्या ऐसे फेंक दिया। वैसे ये गंदी बात है, मुझे आपको बतानी तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे दिल में आया कि मैं आपको बता दूँ। इससे क्या हुआ, मैंने ना ऐसे खाने के बाद जब उसका जायका बदल गया, मैंने उसको फेंक दिया बच्चों, तो फिर भला क्या हुआ, मेरी आपी जो थी ना, जो मुझसे मेरी आपी, वो ना ऐसे लेट गई, उन्होंने नहीं देखा, उनके बालों में लग गई, तो उनके बालों से उतरी ही नहीं वो च्युइंगम। मेरी मामा को मेरी आपी के बाल काटने पड़े। वो सच में वो बहुत रोई कि मेरे इतने लंबे बाल काट दिए मेरी मामा ने उनको वाकई। और इसके बाद मुझे बहुत अफसोस हुआ कि हो उनके बाल कट हो गए, उनके बाल छोटे हो गए। उसके बाद मैंने सोचा मैं आइंदा के बाद कभी भी च्युइंगम को खाने के बाद इधर उधर नहीं फेंकूंगी। कहाँ फेंकना है? हमेशा कूड़ेदान में। हमेशा कहाँ पे फेंकना है? अपने कूड़ेदान में। अब हम अगली पढ़ाई करेंगे, उसमें क्या लिखा हुआ है? अरे भाई वो चीज़ च्युइंगम है। अरे भाई वो चीज़ च्युइंगम है, ये कई जायकों और रंगों में मिलती है। जायकों का क्या मतलब होता है? मज़ेदार, मज़ा। वो बहुत जायकों, जायके का मतलब क्या होता है? मज़ा। मीम ज़ेहेज़ा मज़ा। पांचवा जो हमारी इमला का अल्फाज है वो क्या है? च्युइंगम। चे ये वाव यो नून काफ मीम गम च्युइंगम। और जो छठा अल्फाज है वो क्या है? जायका। जार अलिफ हमजा मोटी काफ वाव और नून गुन्ना जायकों। जायकों और रंगों में मिलती है। जायकों का मतलब मज़ेदार जायके में, लेकिन कभी भी गलती सड़ती नहीं। गाफ नाम गलते छुटिए दी, गलती सड़ती नहीं। गलती सड़ती का मतलब वो चीज़ च्युइंगम कभी भी ख़त्म नहीं होती। जब हम इसको कूड़ेदान में फेंकते हैं ना बच्चों, अगर हम 5 या 10 दिन के बाद फेंक देखें तो वो कूड़ेदान में वैसे की वैसी ही पड़ी होती है। तो क्या है जो हमारा अगला इमला का लफ्ज़ है वो क्या है? गाफ लाम गल ते छुटिए दी, गलती सिंड्रे सड़ ते छुटिए दी, गलती सड़ती। और जो चीज़ गल सड़कर ख़त्म नहीं होती वो माहौल खराब करती है। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि जो चीज़ गलती सड़कर ख़त्म नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर आप सेब देख लो, सेब खाने के बाद ये हमारे पास है सेब, यह है सेब, इसको क्या किया मैंने? खा लिया तो कैसा बच गया हमारे पास? ये हमारे पास इतना सा सेब रह जाता है। तो हम इसको क्या करते हैं? हम इसको अपने कूड़ेदान में फेंक देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो हम काफ़ी दिनों के बाद देखते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। लेकिन च्युइंगम ऐसी चीज़ है जो गल सड़कर ख़त्म नहीं होती और हमारे माहौल को ख़राब करती है। और जो हमारा आठवां इमला का लफ्ज़ है वो क्या है? मीम अलिफ मा हे वह हो लाम माहौल। नौवां लफ्ज़ हमारी इमला का क्या है? खराब। खे रे अलिफ बे खराब। जैसे प्लास्टिक के लिफाफे गलते सड़ते नहीं। च्युइंगम के साथ साथ और कौन सी चीज़ है?
प्लास्टिक के लिफाफे। कौन सी चीज़ है? प्लास्टिक के लिफाफे। और यहाँ पर हमारे लास्ट का लास्ट में क्या मिला है? दसवां प्लास्टिक। पे लामनी फ्ला सीन ते का प्लास्टिक लाम फे लिफाफे बड़ी फे लिफाफे। गलते सड़ते नहीं और माहौल में जरासीम पैदा करते हैं। ये एक तो ये वो चीज़ें हैं जो बिल्कुल ख़त्म नहीं होती और हमारे माहौल में क्या पैदा करती हैं? जरासीम। हमारे माहौल में क्या पैदा करते हैं बच्चों? जीम रे अलिफ जरा से ये मीम सीम जरासीम। आपने कमांडर सेफ गार्ड तो देखो तो देखा होगा ना। मैं हूँ डर्टू मैं हूँ डर्टी कचरा रानी। इन सब के बारे में आपने बहुत खूबसूरत से किरदार देखे होंगे। एक पूरी वीडियो है इसकी जो क्या करती है हमें सिखाती है कि जरासीम हमें कैसे बीमार करते हैं और च्युइंगम और ये सारी चीज़ें जो हमारे माहौल से ख़त्म ही नहीं होती ये हमारे माहौल में क्या पैदा करते हैं? जरासीम। हमारे माहौल में क्या पैदा करते हैं? जरासीम, जिससे हम क्या होते हैं? बीमार होते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। जरासीम क्या करते हैं? बीमारियां फैलाते हैं। हमें चाहिए कि हम कागज़ के लिफाफे या कपड़े के थैले इस्तेमाल करें। हमें क्या चाहिए? कागज़ के लिफाफे या कपड़े के थैले इस्तेमाल करें। यहाँ पर हमारी ला क्लास है बीमारियाँ। बे ये मरीफा रे ये लिफियानगुन्ना बीमारियाँ। और चौथा लास है ए ए ये ला मरीफला ते बड़िए ते फैलाते फैलाते हैं। हमें चाहिए कि हम कागज़ के लिफाफे या कपड़े के थैले इस्तेमाल करें। हम च्युइंगम मुसलसल चबाते रहते हैं। मुसलसल क्या मतलब होता है बेटा? मुसलसल का बरीरा बेटा आप बताएं। मुसलसल क्या मतलब होता है? मुसलसल का लगातार। शाबाश। मुसलसल का क्या मतलब होता है? लगातार। चबाते रहते हैं मगर वो ख़त्म नहीं होती। ये बात तो बिल्कुल सच है कि हम च्युइंगम को चबाते रहते हैं उसका जायका तो बदल जाता है लेकिन वो ख़त्म नहीं होती। अगर हम कोई चीज़ अपने दांतों से कुछ देर चबाएं तो वो पिस जाती है। मतलब वो छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाएगी या बट जाएगी और उसके बाद वो हम उसको खा लेंगे मगर च्युइंगम नहीं। अक्सर लोग इसे सड़क पर थूक देते हैं। ये बात तो बिल्कुल सच है। ये तो आपको अपनी किताब पर भी नज़र आ रहा होगा ना कि अक्सर लोग च्युइंगम को चबा कर जब उसका जायका तब्दील हो जाता है उसको सड़क पर थूक देते हैं। और ये आपके जूतों से चिपक जाती है। और ये आपके जूतों से चिपक जाती है तब हमें कितनी कराहत महसूस होती है। कराहत। कराहत का क्या मतलब होता है? काफ रे अलिफ के तहत कराहत। कराहत का क्या मतलब होता है बच्चों? नफरत। नून फे नफ रे तेरत कराहत। कराहत का क्या मतलब होता है? नफरत। सत्रहवां लफ्ज जो आपको मिला है वो क्या है? मीम है मैं सीम बसू सीम मैं सूस मीम है मैं सीम बसू सीम सूस महसूस। आपको चाहिए कि इन बातों का ख्याल रखें और च्युइंगम हमेशा कूड़ेदान में फेंकें। ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है आपकी किताब वाले क्या कह रहे हैं कि जो च्युइंगम है खाने के बाद आप उसको कूड़ेदान में फेंकें। कभी भी सड़क पर घर में इधर उधर मत फेंकें। वहाँ जानवर या कीड़े मकोड़े उसे खाकर ख़त्म कर सकते हैं। उम्मीद है सबक च्युइंगम की पढ़ाई करने में आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी लफ्ज़ की समझ नहीं आ रही किसी लफ्ज़ का मायने भी समझ नहीं आया या कोई लफ्ज़ लिखा हुआ समझ नहीं आया तो बच्चों आप गूगल क्लासरूम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। घर पे रहें महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।